And breaking now, we're getting you the inside information. After the Congress Working Committee meeting, Sonia Gandhi has reportedly told the CWC that there is no tradition of naming the prime ministerial candidate before the polls, which is why we are being told Rahul Gandhi will not be named as the party's official prime ministerial candidate. He will, however, be appointed as the election panel chief. This is to happen at the AICC meet tomorrow. Nandita Suneja getting us the information from that CWC meet. Nandita, we understand Sonia Gandhi has said that there is no tradition of naming the prime ministerial candidate before the polls, which is why this time too the Congress will not be doing that. But after the clamour from several leaders for Rahul to be named clearly as the prime ministerial candidate, is this really a middle path or a safe path that the Congress is choosing to adopt? That is right. In fact, what we are being told by sources right after the CWC is that during the meeting, as the meeting began, there were voices from leaders who said that there has to be a categorical announcement of Rahul Gandhi as the prime ministerial candidate. And when that chorus really grew, Sonia Gandhi herself intervened and she said that there will be no more discussion on this because the CWC meeting was not called only to discuss this matter, and that the focus must be on the resolution that has to be passed, and which means that it's quite clear that the leadership is not in favor of naming him. And Rahul would be named the campaign committee chairman. That is something that the party has agreed on. But right in the middle, when voices started, when this clamor of demand started that Rahul must be named as the PM candidate, Sonia herself intervened and said that we have to focus on the resolution and there will be no more discussion on this. Rahul ji ke baare mein charcha hui. Rahul ji khud bhi bole. कार्य समिति के सभी सदस्य चाहते थे कि जैसा आप अनुमान लगा रहे हैं काफी समय से कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन ये जब चर्चा काफी सीमा तक हो चुकी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन तमाम सदस्यों ने एक बात कही, कांग्रेस में हमेशा से ये पता होता है कि सरकार बनने पर उसका नेता कौन है, तो इस पर चर्चा या नाम की घोषणा करने का क्या अर्थ है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पिछली बार घोषित किया गया था तो वो 5 साल प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो पार्टी ने कहा कि वही प्रधानमंत्री रहेंगे। ये इस तरह से अलग नाम की कोई घोषणा नहीं थी जो की गई हो। बहरहाल सारी चर्चा के बाद एक आम सहमति बनी कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा, तो एक तरह से भविष्य का नेतृत्व उनके पास है, उसमें सरकार की बात की तो चर्चा की आवश्यकता है नहीं। उस सहमति के आधार पर यह तय हुआ जो कल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में जब प्रस्ताव आएगा तो उसमें स्वीकार किया जाएगा, लेकिन चूंकि आज कार्य समिति में वो चर्चा हुई है इसलिए मैं वो एक वाक्य आपको बता रहा हूं जो निष्कर्ष रूप में हमारे प्रस्ताव का हिस्सा कल होने जा रहा है। दिस मीटिंग ऑफ द एआईसीसी डिक्लेयर्स दैट 2014 इलेक्शन कैंपेन विल बी लेड बाय श्री राहुल गांधी। सर, यानी चुनाव के बाद अगर सरकार बनाने की स्थिति में तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। इसका अर्थ ये है कि कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। और ये प्रश्न अनावश्यक है क्योंकि इससे पहले भी कैंपेन कमेटी नहीं है, उसका अध्यक्ष कोई न कोई होता रहा है, पिछली बार कांग्रेस अध्यक्ष स्वयं थी। तो बहरहाल आप उस बात को याद करिए जो पार्टी लगातार कहती आ रही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आज
श्रीमती सोनिया गांधी के बाद किसी का अगर नंबर है, किसी का दूसरा स्थान है, तो श्री राहुल गांधी का है। पार्टी ने तमाम अवसरों पर इस बात को दोहराया है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं, और ये जो पंक्ति है ये उसी क्रम में है, इससे अधिक हमें कुछ नहीं कहना। राहुल जी ने कहा कि मैंने पहले भी ये बात कही है, आज मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा पर चोट की करने की कोशिश हो रही है। मेरा संकल्प है, मैं इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूं कि कांग्रेस की विचारधारा को हम मजबूत करते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता हूं, इसलिए पार्टी जो भी मुझसे अपेक्षा करेगी, पार्टी जो भी मुझे करने को कहेगी, मैं हमेशा उसके लिए तैयार रहूंगा। सोनिया जी ने कहा था कि उपयुक्त समय पर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री सोनिया बिल प्रधानमंत्री नाम की बात, उन्होंने आज भी ये कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि उपयुक्त समय पर इन विषयों पर निर्णय लिया जाएगा। ये जो विरोधी है बार बार आप मैदान छोड़कर भाग क्यों रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री तक का उम्मीदवार घोषित करना? मैं विरोधियों के अज्ञान पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू जी के समय ये प्रश्न नहीं था कि चुनाव के बाद कौन नेता होगा। इंदिरा जी के बाद ये प्रश्न नहीं था। 1977 का चुनाव हारने के बाद भी ये प्रश्न नहीं था, और 1980 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी जी के जमाने में यह प्रश्न नहीं था, किसी के समय में यह प्रश्न कभी पैदा नहीं हुआ। जब सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, चुनाव हुआ 2004 का, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, ये और बात है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। इसलिए कांग्रेस में यह समस्या नहीं है, जिनके यहाँ ये समस्या हो कि नेता कौन होगा, जहाँ प्रतियोगिता हो, जहाँ प्रतिद्वंद्विता हो, जहाँ पर एक दूसरे के प्रति द्वेष हो, जहाँ विवाद हो, वो लोग चिंता करें, कांग्रेस की चिंता करें।